So the lamba intezar for Mahindra XUV300 is finally samapt kyunki aaj ise Bharat mein launch kar diya gaya hai. Char trim levels hai, petrol aur diesel dono mein W4, W6, W8 aur W8 option. W4 being the sabse niche wala aur W8 option being the sabse upar wala. Aur ye hai complete price list aur jaisa ki aap dekh pa rahe hain ki W8 option ko chhodkar baki sabhi variants ki price kafi aggressive rakhi gayi hai. पर मुद्दे की बात यह है कि क्या कुछ अच्छा है इस प्रोडक्ट में, मतलब क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या कुछ बुरा है, मतलब क्या नेगेटिव्स हैं इस प्रोडक्ट में, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में. सो द पॉजिटिव नंबर वन इज द फैक्ट कि महिंद्रा XUV300 आपको अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल इंजन में से एक प्रोवाइड करती है. अगर आप पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो वो एक 1.2 लीटर टर्बोचार्ज यूनिट है जो कि लगभग 110 bhp की मैक्सिमम पावर निकालती है और 200 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क निकालती है. अगर आप टॉर्क फिगर की बात करेंगे तो ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है. और अगर आप डीजल मॉडल की बात करें तो वो 1.5 लीटर यूनिट है जो कि लगभग 115 bhp की मैक्सिमम पावर निकालता है और 300 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क निकालता है. जी हाँ, कोई और व्हीकल इस सेगमेंट में इतनी ज़्यादा टॉर्क आपको नहीं ऑफर करता है. दोनों ही जो इंजन हैं वो आपको 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में मिलते हैं. एंड नाउ द पॉजिटिव नंबर टू जो कि है महिंद्रा XUV300 का अपने सेगमेंट में सबसे फीचर लोडेड होना. अनगिनत फीचर्स आपको ये ऑफर करते हैं जो कि कोई और कार इस सेगमेंट में ऑफर नहीं करती है. बहुत बड़ी लिस्ट है, जैसे कि आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं विद LED डे टाइम रनिंग लाइट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर है, फ्रंट पार्किंग सेंसर है, रियर पार्किंग सेंसर है. अंदर की तरफ अगर आप आएंगे तो आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा. स्टीयरिंग व्हील जो है उसके साथ में मल्टीपल मोड्स आपको मिलते हैं जो कि सेगमेंट में पहली बार हुआ है. उसके अलावा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेबल आपको सनरूफ दिया गया है जो कि बहुत से लोगों को पसंद है. तो कहने का मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं और जो की फीचर्स हैं जो हर ट्रिम लेवल पे, मतलब हर वेरिएंट लेवल पे आपको मिलेंगे, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी. एंड नाउ द पॉजिटिव नंबर थ्री जो कि मेरे हिसाब से XUV300 का सबसे बड़ा पॉजिटिव है और वो है इसकी सेफ्टी. सबसे पहले तो जो प्लेटफॉर्म है वो X100 प्लेटफॉर्म है जो कि ग्लोबल टिवोली जो है उसका है और ये अपनी रिजिडिटी के लिए जाना जाता है, स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी के लिए जाना जाता है. इसीलिए इसने एनकैप में बहुत अच्छा स्कोर भी किया है और हमें उम्मीद है कि जब इंडियन क्रैश टेस्ट होंगे तब ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी. 68% हाई स्ट्रेंथ स्टील का इसमें इस्तेमाल हुआ है. उसके अलावा अगर आप सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे तो आपको बेस वेरिएंट से ही डुअल एयरबैग्स, ABS प्लस EVD प्लस ISO फिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स मिलते हैं और अगर आप अपर वेरिएंट में जाएंगे तो आपको 7 एयरबैग्स, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी. तो कहने का मतलब सेफ्टी के मामले में भी आपको भरपूर फीचर्स दिए गए हैं. एंड नाउ द पॉजिटिव नंबर फोर जो कि है महिंद्रा XUV300 की इंटीरियर क्वालिटी. मैं अपने रिव्यू में भी बोल चुका हूँ कि महिंद्रा XUV300 अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी क्वालिटी का कैबिन आपको ऑफर करती है. जो ओवरऑल मटेरियल यूज हुआ है या फिर फिट एंड फिनिश है या फिर बटन्स की क्वालिटी है ओवरऑल अगर आप बात करें या फिर लेदर सीट्स है, कितनी सपोर्टिव है, जो मटेरियल यूज हुआ है वो बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, तो आप डेफिनेटली इंप्रेस होंगे. हाँ, अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो हो सकता है आपको लगे कि थोड़ी आउटडेटेड है, बट मेरी अगर आप पर्सनल चॉइस की बात करेंगे तो मैं किसी भी दिन बेहतर क्वालिटी प्रेफर करूंगा ओवर अ बेटर डिज़ाइन. तो ये थे महिंद्रा XUV300 के वो पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि पोटेंशियल बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. पर हर गाड़ी की तरह इसके भी कुछ नेगेटिव पहलू हैं. सबसे पहला नेगेटिव पहलू और वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस. 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये ऑफर करती है जो कि एक कॉम्पैक्ट SUV के स्टैंडर्ड से कम है. अगर आप इसके डायरेक्ट राइवल्स की बात करें जैसे कि नेक्सॉन, वो 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है. अगर आप ब्रेज़ा की बात करेंगे तो 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है और फोर्ड इकोस्पोर्ट 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है. तो ये लीस्ट है अपने सेगमेंट में. हालांकि हमारे टेस्ट के दौरान जब हमने इसे लगभग हर तरीके के टेरेन कंडीशंस में टेस्ट किया तो कहीं पर भी अंडरबेली जो है वो स्क्रैप नहीं हुई है, मतलब जो लोअर बॉडी पार्ट होता है वहां पर कहीं पर भी कोई नुकसान हमें नहीं लगा है. इनफैक्ट अगर आप स्पीड ब्रेकर्स की भी बात करें जो कि काफ़ी अच्छे खासे बड़े थे, वहां पर भी इसने ठीक परफॉर्म किया है, कोई परेशानी हमें देखने को नहीं मिली है. एंड नाउ दी नेगेटिव नंबर टू जो कि है इसका रियर सीट कंफर्ट. वैसे कहने को तो ये अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा व्हील बेस ऑफर करती है. 2600 mm का व्हील बेस है जो कि ऑफकोर्स इसके सभी डायरेक्ट राइवल से सबसे ज़्यादा है, पर इतना ज़्यादा स्पेस ये क्रिएट नहीं कर पाए हैं रियर सीट में. अगर आप हेडरूम की बात करेंगे तो अगर आप अच्छी खासी हाइट के हैं और आप अपराइट बैठना पसंद करते हैं, मतलब सीधे बैठना पसंद करते हैं, तो आपको परेशानी होगी.
तो आपको थोड़ा सा स्लाइड होके बैठना पड़ेगा, तो वो एक डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर आप विड्थ की भी बात करेंगे तो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा क्लेम की गई है अगैन, पर अगर दो अच्छी खासी बिल्ड के लोग बैठ रहे हैं तो बीच वाले को परेशानी हो सकती है, एवरेज बिल्ड के लोग बैठेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। और आपको रियर एसी वेंट्स भी नहीं मिलते हैं, जो कि हमें उम्मीद थी कि इसमें दिया जाएगा, क्योंकि सेगमेंट में और कार्स जो हैं वो आपको ऑफर कर रही हैं। हालांकि फ्रंट जो एसी है वो इफेक्टिव है, पर और बेहतर होता अगर रियर एसी वेंट मिलता, तो ओवरऑल रियर सीट का कंफर्ट डेफिनेटली बेहतर हो सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नेगेटिव, जो कि है कि ये अपने सेगमेंट में सबसे छोटा बूट ऑफर करती है, सिर्फ लगभग 260 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है, जो कि इनफैक्ट बहुत सारी हैचबैक से भी कम है। अगर आप नई वैगनार की बात करेंगे तो वो आपको 340 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है, तो ये यहाँ पर डेफिनेटली मात खा रही है। एंड दैट इज डिस्पाइट द फैक्ट कि जो व्हील बेस है अगेन वो सेगमेंट में सबसे बड़ा है, तो ना तो रियर सीट में जो स्पेस है वो क्रिएट कर पाए हैं बहुत ज़्यादा, ना ही बूट स्पेस बड़ा कर पाए हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ा नेगेटिव है। नाउ द नेगेटिव नंबर 4, जो कि है कैबिन इंसुलेशन। जी हाँ, जो इसका डीजल वर्जन है जो कि हमने टेस्ट किया, अभी तक पेट्रोल टेस्ट नहीं किया है, तो सिर्फ डीजल के बारे में बोल सकते हैं कि कोई भी स्पीड पर आप इस गाड़ी को चलाएं, आपको लगातार इंजन की नॉइज़ कैबिन में सुनाई देती रहती है, जो कि थोड़ा सा एक निराश करने वाली चीज़ है, क्योंकि क्वालिटी लेवल्स बहुत अच्छे हैं और एक काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट लगता है, बट इंजन नॉइज़ आपको लगातार सुनाई देती रहती है, तो इस पे डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो सकता है। वैसे पेट्रोल पर हमें उम्मीद है, पेट्रोल मॉडल में, कि वो डेफिनेटली बेहतर होगा। और एक और जो नेगेटिव हमें लगा हमारे टेस्ट ड्राइव के दौरान, कि जो लो एंड पे जो पंच आप एक्सपेक्ट करते हैं या जो ग्रंट आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको इसमें नहीं मिलता है, एंड दैट इज डिस्पाइट द फैक्ट कि इसे अपने सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन क्लेम किया गया है, तो वो डेफिनेटली थोड़ा और बेहतर हो सकता है। 1500 आरपीएम से नीचे आपको फ्रीक्वेंटली गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि अगैन वो पंच की थोड़ी कमी है। हालांकि उसके बाद में अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इंजॉय आप इसे करने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा इसको चलाने में, बट अगैन लो एंड परफॉर्मेंस थोड़ी और बेहतर हो सकती है। तो ये थे महिंद्रा XUV300, महिंद्रा की पहली अर्बन कॉम्पैक्ट SUV के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। आई होप मैं आपके हर एक जो क्वेश्चन है या फिर कंफ्यूजन है उसे दूर कर पाया हूँ। अगर फिर भी कोई सवाल आपका रह गया है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।